वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्यू कार्ड के फॉलो अप्स, दैट इज़ डिस्क्राइब अ पर्सन हु इन्जॉयज़ कुकिंग फॉर अदर्स, कि कोई भी पर्सन जिनको दूसरों के लिए खाना बनाना पसंद हो। सो इसका जो क्यू कार्ड वर्जन है आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू फॉलो अप्स। सो लेट सी द फॉलो अप्स ऑफ दिस क्यू कार्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वट डू वी नीड टू प्रिपेयर वेन वी नीड टू कुक, कि जब हमें खाना बनाने की ज़रूरत है तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। टू कुक वी नीड टू प्रिपेयर सेवरल थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द रेसिपी ऑफ द डिश वी वॉन्ट टू मेक, कि जो भी हम डिश बनाना चाहते हैं सबसे पहले तो हमें उनकी रेसिपी पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी नीड टू प्रिपेयर ऑल द इन्ग्रीडियंट्स, और उसके बाद हमें सारे इन्ग्रीडियंट्स के बारे में को प्रिपेयर करना होता है, दैट आर असेंशियल, कि जो ज़रूरी हैं उस डिश को बनाने के लिए, लाइक द गैस स्टोव, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड द गैस सिलेंडर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू अग्री दैट फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हो कि खाना बहुत ज़रूरी पार्ट है इंडियन फेस्टिवल्स और सेरेमनीज का। विदाउट अ डाउट, बिना किसी डाउट के, फूड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट इट इज़ सेड दैट विदाउट फूड, और साथ में ये कहा भी गया है कि बिना खाने के फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज आर इनकम्प्लीट, कि वो इनकम्प्लीट होती हैं, एज ईच फेस्टिवल हैज़ इट्स ओन स्पेशल डिश, क्योंकि हर फेस्टिवल की अपनी अपनी स्पेशल डिश होती है। सो थर्ड क्वेश्चन इज, विच डिशेज आर मस्ट एज फेस्टिवल्स, कि फेस्टिवल्स पे कौन कौन सी डिशेज मस्ट हैं। एवरी फेस्टिवल हैज़ अ यूनिक डिश टू सेलिब्रेट, कि हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की वैसे तो यूनिक डिश होती ही है, बट द मोस्ट कॉमन डिश दैट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी फेस्टिवल, हर फेस्टिवल पे बट एक डिश है जो होनी ज़रूरी है, दैट इज़ अ स्वीट, दैट इज़ मतलब मिठाई। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई PDF फॉर सेप्टेम्बर टू डिसम्बर 2023, दैट इंक्लूड्स ऑल द लेटेस्ट क्यू कार्ड्स, फॉलो अप्स एज वेल एज द इंट्रो टॉपिक्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप खरीदना चाहते हो, सो यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, आपको लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो एंड सेंड मी मैसेज इफ़ यू वॉन्ट टू बाय। और साथ में ही अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है, गो एंड join the channels to stay update about every video. So our next question is, should students learn to cook at school, क्या बच्चों को स्कूल में कुकिंग सिखानी चाहिए। Yes, definitely, हाँ जी सिखानी चाहिए। Students should learn to cook at school, कि उनको स्कूल में सीखनी चाहिए, because it is a valuable life lesson that helps people become self-sufficient as well as satisfy hungry in emergency situations, कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिससे वो क्या है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और अपनी जो हंगर है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। मोर ओवर बाय लर्निंग दिस स्किल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और साथ में अगर वो स्कूल में सीख रहे हैं ये वाले स्किल, तो वो बेसिक से एडवांस सीखेंगे, दे कैन मेक इट देयर प्रोफेशन, तो इससे क्या है उसको वो अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं इन द अपकमिंग टाइम। Do you think cooking should be a compulsory or an elective course? Why? आपको क्या लगता है कि जो cooking है वो schools में compulsory होना चाहिए या फिर elective, मतलब additional, कि अपनी मर्जी से बच्चे elect कर सकते हैं, तो क्या होना चाहिए और क्यों? As per my thinking, school should have a compulsory cooking subject, कि schools में ये compulsory होना चाहिए, because it is a practical life lesson that is required by everyone, ये एक practical lesson है जो हर किसी को आना चाहिए। सो इफ़ स्कूल मेक्स इट इलेक्टिव, बट अगर स्कूल इसको इलेक्टिव बनाता है, पीपल विल नॉट ऑप्ट, तो लोग इसको चूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल टेक इट कैजुअल, तो वो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, बट इट शुड बी अ कंपल्सरी टू मेक देम मोर इंडिपेंडेंट, तो इसलिए ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि लोग इंडिपेंडेंट बन सके। इट ओपन द डोर टू न्यू ऑक्यूपेशन, और साथ में ये एक नई जॉब को भी की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन कुकिंग टुडे इन द पास्ट, क्या डिफरेंस है कि जो लोग कुकिंग आज करते हैं और पास्ट में करते थे। यस देयर इज़ अ बिग डिफरेंस,
बिटवीन कुकिंग टुडे एंड इन द पास्ट की एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. इफ़ आई टॉक अबाउट द पास्ट टाइम कि अगर मैं पास्ट टाइम की बात करूँ, देयर वर ओनली अ फ्यू डिशेज कि उस टाइम बहुत कम डिशेज होती थी दैट वर प्रिपेयर्ड बाय होम मेकर्स कि जो होम मेकर्स बनाते थे. बट नाउ ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट, बट अब इंटरनेट के स्प्रेड होने के कारण पीपल कैन ईजिली फाइंड रेसिपीज, लोग ईजिली रेसिपीज फाइंड कर सकते हैं एंड कुकिंग टिप्स ऑनलाइन और ऑनलाइन कुकिंग टिप्स ले सकते हैं टू मेक एवरी टाइप ऑफ डिश एट होम, ताकि वो घर पे ही हर टाइप के डिश बना सके. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.